गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि जेडी की डिजिटल क्लासेस में इंग्लिश का पार्ट जो चल रहा है वो है टेंस और एंड इट्स यूजेस। इसके कुछ अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। अब हम आगे केवल इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हुए सीखेंगे, जैसे शी लैंग वी इन सेंस लास्ट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज हाई टाइम। आगे फॉर द असिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ही ट्रेंड हर, ही ट्रेंड हर एंड नेक्स्ट आता है ही ब्लैंक टॉप, ही ब्लैंक टॉप, ही ब्लैंक टॉप एज इफ ही वर माई, एज इफ ही वर माई मास्टर, एज इफ ही वर माई मास्टर। नेक्स्ट आता है कि ही सेड दैट टू एंड टू, ही सेड दैट टू एंड टू, टू एंड टू ब्लैंक मी फोर, ठीक है। उसके बाद आता है मुकेश सेड दैट, he blank by a pen, he blank by a pen the next day, the next day she blank come back home by evening, she blank come back home by evening. फिर आगे देखिए, by this time next year, by this time next year, by this time next year I watch the program, फिर आई डू नो आई नॉट नो वाट ही वर वॉन्ट्स, आई नॉट नो वाट ही वॉन्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है शी ब्लैंक लीव द जॉब लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, ठीक है। और बीच में अगर स्पेस है
बिल्कुल दो तीन सेंटेंस और आ जाएंगे, फिर देखिए। दे ब्लैंक वेट एगर्ली, दे ब्लैंक वेट एगर्ली फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर, फॉर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर। ठीक है, उसके बाद मच ब्लैंक है पर, मच ब्लैंक हैपन सिंस यू लेफ्ट दिस ईयर, सिंस यू लेफ्ट दिस ईयर। देखो पहला क्या है, शी ब्लैंक बी इन सिंस, तो इसमें बी आ रहा है, तो इसे इज़ आर एम वाज वर हैज बीन हैव बीन यूज करना है, तो हैज बीन इल, शी हैज बीन इल सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, ये प्राइमरी वर्ब है, ठीक है, लेक्सिकल वर्ब नहीं, लेक्सिकल होती तो यहाँ पर आईएनजी आ जाता है, यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू बन जाता है, या अभी भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नहीं है, मगर यहाँ पर हैज बीन यानी होना है, किसमें, प्राइमरी वर्ब के द्वारा। इट इज टाइम, ये आपको बताया था, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, तो क्या आएगा, बहुत ईजी है, शी ट्रेंड, ही ट्रेंड हर, उसने उसको इस प्रकार से ट्रेंड किया है, कौन सी वर्ब आ रही है, सेकेंड फॉर्म, बीच में आ रहा है एंड, फिर दूसरी में बी सेकेंड फॉर्म, क्यों, यदि दो सेंटेंस यानी दो एंड से जुड़े हुए हैं और एंड से पहले सेकेंड फॉर्म है, तो एंड के बाद भी आपको उसी टेंस में यूज करना है, बात ये नहीं है कि सेकेंड फॉर्म ही है, बात ये है कि जो टेंस इधर है उसी टेंस को आप वहां पर यूज कीजिए। फिर है ही टॉक ब्लैंक, सॉरी ही ब्लैंक टॉक एज इफ, अब आपने देखा इसको उल्टा कर दिया, यहां पर ब्लैंक आता है मान लीजिए, तो यहां पर आपने देखा होगा अगर ऐसे बात करता है, यहां पर प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, ही टॉक्स वे इस बात करता है कि जैसे कोई वो मेरा मालिक हो, तो यहां पर इसको दे दिया और इधर आपसे पूछ लिया, ही सेड दैट 2 and 2 makes 4। इसमें बहुत से मेक भी यूज कर लेते हैं तो भी ठीक ही माना जाएगा, काउंटेबल अनकाउंट, यहाँ पर इसको अनकाउंटेबल नाउन माना है, तो मान लीजिए आपको इसमें सिंगुलर ही यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अब देखो यहाँ पर पास्ट आया सैड, बट ये तो एक फैक्ट है ना, तो फैक्ट का भी चेंज नहीं होते, उनको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज करना है। मुकेश सेड डैट, देखो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, उसने कहा कि ही ब्लैंक ए पेन नेक्स्ट, अब ये यदि डायरेक्ट में होता तो यहाँ पर तो टुमारो होता और यहाँ पर विल सेड के साथ यूज हो रहा होता, लेकिन जब इसको अपन इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो विल सेड का हो जाएगा गुड एंड वर्ब फर्स्ट, गुड बाय। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा ही ब्लैंक कम बैक, ही ब्लैंक कम बैक बाय इवनिंग, यानी शाम तक चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, यानी बाय प्लस फ्यूचर टाइम, तो विल हैव कम। ठीक है, बाय दिस टाइम इस समय तक अगले साल आई वॉच द प्रोग्राम, ठीक है, बाय दिस टाइम इस समय तक नेक्स्ट ईयर, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, तो हैव बीन वॉचिंग, फिर नेक्स्ट आई ब्लैंक नो नॉट नो व्हाट ही वांट्स, तो यहाँ पर प्रेजेंट है भले ही वर्ड से जुड़ रहा है, तो व्हाट ही वांट्स यहाँ पर क्या आएगा, आई के साथ डू नॉट वांट या डू नॉट नो, ठीक है, आई डू नॉट नो व्हाट ही वांट्स, आई के साथ डू नॉट यूज होता है। फिर शी ब्लैंक लीव द लो, और लास्ट ईयर एंड वर्ब के अकॉर्डिंग क्या आएगा, लेफ्ट,
ठीक है, दे ब्लैंक वेट एगरली फॉर द रिजल्ट. अभी यहाँ पर फोर और टाइम, ये टाइम इंडिकेटिंग फ्रेज है, द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर. तो दे हैव बीन वेटिंग मच ब्लैंक यू लेफ्ट दिस ईयर सिंस सी जुड़ रहा है सेंटेंस, और इधर पास्ट सिंपल और सेकंड फॉर्म, इधर प्रेजेंट परफेक्ट. क्या आएगा, मच अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल क्लास हैज आता है सिंपलर, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, उसके बाद थर्ड फॉर्म मच हैज हैपेंड. ठीक है, तो ये आपके सेंटेंसेस हैं, इनको आपको देख लीजिए एक बार. नेक्स्ट है कि द ड्रेस इज नियरली Until he blank finish his work he will not leave the room. उसके बाद आ जाओ आप, I blank read a story now. उसके बाद the cat blank in in front of kitchen. Let us consider an example. उसके बाद आता है कि यू शुड हेल्प द टू. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, as soon as the party will be blank in organized
नेक्स्ट ईयर. लिसन द फोन बहुत अच्छे अच्छे इसमें रूल्स भी हैं, समझने लायक बहुत अच्छी बातें हैं. देखो एक तो द ड्रेस इज नियरली, यहाँ पर क्या है एक नॉन लिविंग थिंग यानी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर यूज किया जा रहा है, डूअर नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पर जब डूअर नहीं है तो ये पैसिव है क्योंकि वर्ब पहले से डूअर नहीं होता जिस सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, वो पैसिव होता है और वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी ऑलरेडी करेक्ट फॉर्म द वर्ब में. तो यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. अंटिल ही प्लेइंग हिज वर्क ही विल नॉट लिव. अंटिल के साथ कंजक्शन यूज हो रहा है या अंटिल ऐसे कंजक्शन यूज होता है तो सेकंड पार्ट में फ्यूचर सिंपल यूज होता है और इस फर्स्ट पार्ट में अंटिल के साथ आपको प्रेजेंट सिंपल यूज करना है. क्या यूज करना है? प्रेजेंट सिंपल यूज करना है. अंटिल ही फिनिशेस हिज वर्क ही विल नॉट लीव. जब तक वह पूरा नहीं कर लेता कार्य को वह कमरा नहीं छोड़ेगा. फिर आई कैन रीड अ स्टोरी नाउ. बहुत इजी है नाउ. क्या आना चाहिए? आई एम रीडिंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब आ रही है तो सिंपल है. इजारे के साथ बाकी फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी यूज होगा. द कैट ब्लैंक सिट इन फ्रंट ऑफ द. ये एक सिचुएशन है ध्यान रखना, यानी जो कैट है वो बैठी हुई है इज सिटिंग. इज सिटिंग ठीक है. एक और देख लो फिर बाद में समझा देंगे. लेट के साथ तो आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ठीक है. लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. यू शुड मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. एज सून एज ही ब्लैंक सी द स्नेक ही रैन. इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? इधर यदि पास्ट सिंपल है तो यहाँ भी पास्ट सिंपल. जैसे ही उसने सांप को देखा भागा. द पार्टी विल बी. अब देखो ये डूअर नहीं है. डूअर मतलब ये कार्य करने वाला नहीं है, एक नॉन डूअर सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर इसको पैसिव वर्ब भी आ रहा है तो ये एक पैसिव सेंटेंस है. यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्गेनाइज ठीक है. लिसन ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल रहा है सुनो फोन है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज रिंगिंग. रिंगिंग फोन बज रहा है. सुनो एस नो सुनर डिड आता है तो यहाँ पर डिड की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. भले ही यहाँ पर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं. नो सुनर डिड आता है और उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है ब्लैंक, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बाइस. अब देखो हमने कुछ ऐसी एडवर्ब्स ऑलवेज यानी हमेशा. ऑलवेज यानी हमेशा. हमेशा का मतलब पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर है. लेकिन इसमें कुछ ऐसी वर्ब है जैसे मॉम लुक शी इज
She plays tea. She is always teasing me. She is always teasing me. तो यहाँ पर क्या आएगा? Is always. She is always teasing me. वह हमेशा मुझको चिढ़ाता रहती है. देखो वो. तो यहाँ पर क्या हो गया? Always को present करते हैं. इसके लिए use करना. एक और कार्य हमेशा वो मेरे साथ ऐसे करते रहते हैं. करते रहना इन्हीं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, क्योंकि वो पास्ट में भी करते रहते थे, प्रेजेंट में भी करते रहते हैं और कंटिन्यूस टेंस में. तो हमेशा के जैसे ये तो आपको पता ही है ऑलवेज किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है एडवर्ब. लेकिन यहाँ पर कभी कभी यदि कोई ऐसा एक्शन है जो कंटिन्यूस में पास्ट में प्रेजेंट में और फ्यूचर में कंटिन्यू में रहता है तो ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाता है. ठीक है. और देखो एक सेंटेंस हम देख लीजिए ऑलवेज वाला. ए स्टूडेंट इज ऑलवेज स्टडी. तो इस प्रकार से भी है तो आपको क्या यूज करना है? स्टूडेंट इज ऑलवेज स्टडिंग एट होम. खैर आपको इसलिए देने के लिए क्योंकि ऑलवेज बीच में यूज हो रहा है. ठीक है. एडवर्ब बीच में यूज हो रहा है दोनों हेल्पिंग और वर्ब के बीच में. ठीक है ना. तो ये आपके अब देखिए डियर स्टूडेंट्स आपके ये टेंस और उसके यूजेस करीब करीब 90% 100% तो नहीं क्योंकि हमको पता है टेंस के यूजेस बहुत ज़्यादा इनका ब्रॉडिंग सेंस बहुत ज़्यादा है, यूज बहुत ज़्यादा है. लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से 9th 10th 11th के हिसाब से 12th के इनडायरेक्ट वे में भी समझना चाहिए कि 10th 12th में ये सिलेबस में नहीं है. तो इनडायरेक्ट वे में अगर आपको कंपोजिशन वगैरह इनमें यूज़ करने के लिए ग्रामेटिकल एरर ना हो आंसर्स में तो उनके लिए भी हमको टेंस समझने की आवश्यकता होती है. और 9th 10th 11th के तो मेन कोर्स में ही भी है. तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमने इसको करीब करीब पूरी तरीके से अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा करने की बहुत अच्छे से कोशिश की. इनको आप पढ़ते रहिए पीडीएफ के थ्रू वीडियोस के थ्रू आपको बहुत मदद मिलेगी. बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने. ठीक है. अब आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है जो 9th 10th 11th में भी है मेन कोर्स के अंदर वो है मॉड. मॉड नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मॉडल. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.